तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल बैनर फॉर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे वेबसाइट के बारे में जहां से आप बिल्कुल फ्री में बहुत ही अच्छा जैसा जो बिग क्रिएटर्स आप देखते हैं यूट्यूब चैनल में, जैसा उनका बैनर देखने में लगता है उसी तरीके का आप अपने चैनल के लिए जो बैनर है वो बना सकते हैं। तो अगर आपको अपने YouTube चैनल के लिए बहुत ही अच्छा सा अगर बैनर बनाना है तो इस वीडियो में बने रहेगा एंड तक, और इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहेगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम आ गए अपने PC स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप जो है PC से या फिर स्मार्टफोन से दोनों से आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्नैपा कर जो एक वेबसाइट सबसे पहले जो आपको मिल जाता है ये आपको ओपन कर लेना है। और इस वेबसाइट में आने के बाद फिर यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है लॉगिन कर लेना पड़ेगा, जहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहले ही से जो है लॉगिन कर रखा है, इसलिए लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको जो है यहाँ पर लॉगिन सबसे पहले एक अकाउंट बना लेना होगा। तो मैंने उसी लिए जो है बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है। एंड उसके बाद जो है यहाँ पर अब जो है विड्थ और हाइट ये आ जाएगा, जहाँ पर आप कुछ भी अपने मन से जैसा चाहें विड्थ एंड हाइट, अगर आपको कुछ और भी बनाना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं एंड क्रिएट करेंगे तो आ जाएगा पेज। मगर हमें जो यहाँ पर यूट्यूब के लिए जो बैनर बनाना है, जिसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले फेसबुक के लिए जो पोस्ट करना है या फिर इंस्टाग्राम के लिए, वो सारे चीज़ आपको मिलते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ है ना वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप जो है थंबनेल वगैरह भी बना सकते हैं। तो अब जो मेन यहाँ पर अभी आ गया है हेडर्स बैनर्स एंड प्रोफाइल पेजेस, जहाँ पर आपको जो है एंड स्क्रीन भी डिज़ाइन करने को यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जो है यूट्यूब चैनल आर्ट, जो कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये जो है सारा जो हाइट विड्थ वो पहले से सेट आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है 2560 pixels into 1440 pixels। तो यही जो है इतना ही का साइज़ का जो आपको बैनर बनाना पड़ता है यूट्यूब में, जब भी आपको बैनर बनाना हो तो। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जो है टेम्पलेट्स मिलते हैं बने बनाए हुए बैनर, जहाँ पर आप सिर्फ अपना टेक्स्ट वगैरह जो है फ़ोटोज़ वगैरह वो सारे चीज़ ऐड कर जो है एडिट कर बैनर अपने लिए यूज़ कर सकते हैं फ्री में। मगर बहुत ही कम आपको जो ये यूज़ आने वाला है, उससे अच्छा है कि आप जो है स्टार्टिंग से एक जो है अपने मन का बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, जहाँ पर आपको देख सकते हैं क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है प्लस आइकन पर, जिसके बाद कुछ इस तरीके से ओपन होगा। एंड आपने जो है यहाँ पर हमने जो बैनर बनाना है तो हमने ये सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा यूट्यूब लिखा हुआ, जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ने जो टेम्पलेट दिया है जहाँ पर आपको ये मिल जाएगा वाइट कलर का एरिया जहाँ पर हमें काम करना है, जो कि मोबाइल स्क्रीन में दिखता है, जो टीवी स्क्रीन टैबलेट डेस्कटॉप सबके लिए जो एरिया दिया हुआ है कि यहाँ तक आप बनाएंगे तो क्या दिखेगा। तभी जो बैकग्राउंड पर मैंने क्लिक किया है, एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ोटोज़ जो है बहुत सारे रैंडम फ़ोटोज़ मिलेंगे। एंड आपको अगर कोई एक फ़ोटो चाहिए, जैसा कि मैंने ब्लैक लिखा है, तो यहाँ पर आपको जो है ब्लैक दबाकर एंटर किया तो ब्लैक फ़ोटोज़ मिल रहा है, जो कि मैं ब्लैक बैकग्राउंड अपने बैनर के लिए लगा दूंगा। तो मैंने देख सकते हैं क्लिक किया और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड आ गया ब्लैक कलर का। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर आ गया, और जो इस वाले एरिया में हमें जो है मेन काम करना है, क्योंकि स्मार्टफोन्स जो है ज़्यादा यूज़र उसके रहते हैं, तो हमें जो है उसी एरिया में मेन काम करना है। तो इसी तरीके से जो भी चाहें बैकग्राउंड जिस कलर का वो आप जो है यूज़ सिंपली कर सकते हैं अपने बैनर के लिए। जिसके बाद अब यहाँ पर हम बात कर लें पैटर्न्स के बारे में, तो आप जो है पैटर्न्स वगैरह वाले बैकग्राउंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कुछ अजीब सा है, मगर शुरुआत में जो है एंड लास्ट में जो ग्रेडियंट वाले जैसे बैकग्राउंड्स पिक्सेल लैब में आपको थंबनेल बनाने के लिए मिलते हैं, वैसे यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट वाले जो है आपको बैकग्राउंड्स भी मिल जाते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैनर बनाने के लिए। तो ये सारे चीज़ अब हो गया बैकग्राउंड के बारे में बात। अब जो है यहाँ पर हम बात करते हैं जो है टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप जो ऐड हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ पर जो है आप टाइटल सिंपली से ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सिंपली जो है हेडिंग टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, जिसके बाद यहाँ पर आप जो है टाइप कर सकते हैं अपने चैनल का नाम या फिर जो कुछ भी आपको टाइप करना है वो आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये टाइप करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के लिए बहुत ही सारे जो है यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। एंड फॉन्ट के तो
मतलब बहुत ही तरह के फॉन्ट हैं, सिंपली आपको कर्सर इस पर रखना है एंड ये जो है चेंज होता जाएगा, जहाँ पर आप प्रीव्यू कर सकते हैं और जो भी बेस्ट लगेगा वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये वाला जो फॉन्ट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जिसके बाद आप कलर्स वगैरह जो है वो भी इजीली चेंज यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सारे ऑप्शंस मिलते हैं टेक्स्ट के लिए आपको, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और जो बेस्ट लगेगा वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है लेटर स्पेसिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो आपको लाइन हाइट भी देखने को मिल जाएगा, जो भी आप जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सारे आपको जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे टेक्स्ट के लिए। एंड यहाँ पर जो है शेडो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो शेडो का कलर वगैरह भी जो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ऐड फॉन्ट पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं फॉन्ट। एंड ग्राफिक्स जो यहाँ पर बहुत ही मेन चीज़ है, यहाँ पर ग्राफिक्स में आपको जाना है। एंड जो यहाँ पर अपलोड में जाकर आप कोई भी इमेज वगैरह जो भी आपने डाउनलोड किया फिर आपने बनाया है एंड आप ऐड करना चाहते हैं अपने बैनर में, तो यहाँ से सिंपली जहाँ पर भी आपने पीसी में या फिर स्मार्टफोन में आपके पास जहाँ भी वो वाला इमेज है वो सिंपली आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से अपलोडिंग हो रहा है। एंड जैसे ही यहाँ पर जो है पूरा इमेज अपलोड हो जाएगा, लोड हो रहा है अभी, एंड जो भी और भी इमेज चाहते हैं तो और भी आप अपलोड कर सकते हैं। एंड जैसे यहाँ पर ये इमेज लोड हो जाएगा तो सिंपली आप जो है उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट इसे लेफ्ट में कर देता हूँ और अब जाता हूँ ग्राफिक्स में। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इमेज हमारे पास है, जिस पर एक आपको सिंपली टैप करना है। एंड जैसे ही हम जो इसे टैप करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया हमारे वर्किंग एरिया में। एंड यहाँ पर जो है आपको इमेज बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जो है पैसा देना पड़ेगा, तो मैंने जो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि किस तरीके से आप जो है फ्री में भी बैकग्राउंड हटा सकते हैं वन क्लिक में। उसका जो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो इस वीडियो के बाद आप वो भी जाकर देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो इसे रिसाइज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पर अपने हिसाब से जहाँ आपको लगाना है, जितना साइज़ आपको लगाना है, जितने साइज़ में इमेज, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बैनर के लिए जो है लगा दिया है पूरा इस तरीके से, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो मैंने जो पहले ही से आप चैनल पर विज़िट करके जाकर देख सकते हैं कि मैंने अभी बैनर जो है पहले का बना रखा है। मैं इस बैनर को नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ऐसे ही जो आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। एंड यहाँ पर आप जो शेप्स वगैरह जो है वो भी आप जो भी शेप चाहें वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एंड इसका कलर वगैरह जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं इस वेबसाइट में, जहाँ पर आप जो है बहुत ही ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको देखने को। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रायंगल ऐड किया एंड इसका जो रेड कलर मैंने कर दिया। एंड अभी आप ध्यान से देखते रहिएगा, एक चीज़ मैं और बताने वाला हूँ जो कि आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप बैनर बनाएंगे तो। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दो ट्रायंगल लगा दिया है, तो अभी आप जो ध्यान से देखिएगा जो मैं अभी दिखाने वाला आपको दिक्कत आ सकती है। तो जैसे मैंने ट्रायंगल को लगा दिया इसके ऊपर, तभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आ गया। तो मैं चाहता हूँ ट्रायंगल को यहीं लगाना, लेकिन जो है आपको क्या करना है, जिसको ऊपर लाना है और उसको बीच दूसरे वाले को पीछे कर देना था, पर आपको मूव लेयर जो है वो देखने को मिलता है। वैसे सेम चीज़ टेक्स्ट के ऊपर मैंने रेड वाला ट्रायंगल जो है वो ले गया हूँ। एंड उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि इस पर सेलेक्ट करना है एंड इसको आप देख सकते हैं कि नीचे करने वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, जहां से आप जो है मूव लेयर बैक पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट के पीछे ये लेयर जो है वो चल जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है ये सारे चीज़ कर सकते हैं, अगर आपको ये भी दिक्कत आए तो कर सकते हैं। तो अभी जो है हमें एक और यहाँ पर सब हेडिंग डालना है कि मैं जो है कितने बजे जो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो भी यहाँ से आप जो है सिंपली सब हेडिंग में जहाँ पर साइज़ उसका थोड़ा छोटा रहेगा तो वो आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वीडियो एट 6 PM, तो वो मैंने लिख दिया है क्योंकि मैं 6 PM में जो वीडियो अपलोड करता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अभी जो यहाँ पर साइज़ आप जो है यहाँ पर टाइप करके एंटर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं जो बड़ा हो गया। एंड इसे एक लाइन में इस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ इस टेक्स्ट को, तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ के ऊपर एम जो है PM में एम जो है थोड़ा सा ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने जैसा पहले बताया, फिर आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर हाथ के ऊपर जो आ रहा है तब उसे सेलेक्ट करके जो है मूव लेयर बियॉन्ड ऐसे करके कर देना है एंड यहाँ से जो है ये चीज़ हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं कि
बैनर जो हमारा बन चुका है एंड जो यहाँ पर सेव आपको देखने को मिलता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आगे भी इस पर काम आप कर सकते हैं। एंड जो मेरा पूरा बन गया तो मैं सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा। एंड इसके बाद जो बहुत सारे PNG, JPG और बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से आप अपने जो भी डिवाइस में आप जो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड में लगा दिया है एंड यहाँ पर जो है डाउनलोड हो चुका है। तो अभी मैं आपको कॉल कर दिखा दे रहा हूँ कि ये ओपन होता है या कि नहीं। तो यहाँ पर ओपन पर मैंने क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बैनर आ चुका है। एंड जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब का टेम्पलेट था आप देख सकते हैं वो भी रिमूव हो चुका है। एंड जो एरिया स्मार्टफोन में इस वाले एरिया के अंदर जो आपको बैनर बनाना होता है वो भी हो चुका है। इस वीडियो में जैसे मैंने दिखाया आपको यूट्यूब चैनल के लिए अपने लिए आप जो है बैनर बना सकते हैं, उसी तरीके से आप देखकर पूरा आप जो जान गए होंगे किस मेथड से आपको बनाना है, उस तरीके से आप भी यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बना सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही और भी टेक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी जाकर क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।